दो मिनट है तो आप दस बजे आप क्यों कर दे सकते मैं म्यूट कर दे रहा हूँ जी आपको स्क्रीन शेयर करना रहता है क्या नहीं अच्छा दो मिनट है तो आप जी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا تمام تعرفات حمد الصناع شُكْرًا وذكر الله رب العزة كله سزا فرح ورس حبيب سيدنا محمد صفا أحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فرح.

फिर एक मरतबात के लिए जमा होने की तोफिक बख्शी अलहमदुल्ल अल्लाह हमारे जमा होने को अपने बारे में कबूल मंजूर फरमा आमिर जैसा कि गुजशत नशस् में हमने तहारत के मसाइल की इब्तदा की उसमें हमने तहारत का लफ्जी और इसलाह माना जाना और साथ ही साथ फिर उसके अकसाम यानी उसकी कस्में शुगर और गुबरा तहारते शुगर और तहरते कुबरा फिर उसमें हमने तहात में अव्वल देखा वजू के मसाइल तो उसमें भी हमने पहले वजू का डेफिनेशन यानी उसकी तारीफ और उसकी फजीलत को जाना और फिर उसके बाद को भी देखा कि किन किन सूरतों में वजू फ़र्ज हो जाता है करना फ़र्ज है और किन सूरतों में वाजिब है और किन सूरतों में सुन्नत है इसी तरह किन सूरतों में मुस्तहब है फिर उसके बाद हमने वज़ू का मुकम्मल तरीका भी देखा और मुकम्मल तरीका यानी फर्ज सुनत और मुस्तबा मिलकर यानी कुल मसनून व मुस्तहब तरीका हमने वजू करने का देखा था गुलश्ता में और साथ ही साथ वजू के फराइज वो सुन्नतें भी अलग से हमने जानी और वज़ू के मुस्तबाद यानि जो चीज़ें वज़ू में मुस्तहब है वो भी हमने देखा जैसे कि ऊँचे मकाम पर बैठना कबले रुख होना और फिर दाइनी हाथ से वज़ू का आगाज़ करना इस तरीके की चीज़ें हमने देखी थी जैसा गुज्ता में हमने जिक्र किया था कि अब हमको यहां से वजू में वो चीजें जो नापसंदीदा है जो मकरू कहलाती है वो चीजें हम पढ़ेंगे आज और साथ ही साथ वज़ू को तोड़ने वाली चीजें भी हम जानेंगे उसके बाद हम इंशाल्लाह गुस्ल के बयान पर हम आएंगे ठीक है चलिए अब वो बातें हम जानते हैं जो वजू में नापसंदीदा यानी मकलू है बताया जा रहा है कि जो चीज़ें वज़ू में मुस्तहब है उनके ख़िलाफ़ करने अपोजिट करना ये क्या है नापसंदीदा अमल, और फिर पानी को जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना ज़रूरत से ज्यादा पानी को बहाना ये क्या है मकरू है और फिर वज़ू के दरमियान में फजूल गुफ्तगु यानी बातें करना आपस में वजू करते हुए यानि ये फजूल की बातें दीनी बातें फिर उसके अलावा हर अजू को जब वज़ू में धोते हैं तो पानी से जो है ना जैसा कि मिसाल के तौर पर चेहरा धोते हैं तो बाज़ लोग चेहरे पर पानी जोर से मारते हैं और बाज़ लोग पानी में फूकते हैं इस तरीके का काम करते हैं बात। तो बताया जा रहा है कि जोर से पानी मारना फिर उसके अलावा ज़ू में आपको सुन तरीका जो बताया गया कि हर अजू को तीन मरतबा धोना यह सुन तरीका बताया गया अब तीन मरतबा से ज्यादा करके धोना ये मक़रू है यानी चार मरतबा पांच मरतबा इस समा ठीक है इसी तरह सर का मसा जब करते हैं एक पानी से सरका मसा होता बाद मसाबित जो है तीन तीन मरतबा करते हैं फिर वजू के बाद हाथों का जो पानी होता है वो जोर से झड़कते हैं हाथों को से जो पानी होता है छड़कते हैं इस तरह फिर ये भी मकरू चीज है फिर औरत के बचे हुए पानी से वजू करना यानी जिस बर्तन से और वजू बनाई है उसके बचे हुए पानी से फिर वजू करना इस साथ ये भी क्या है है मस्जिद के अंदर वजू करना अंदर मतलब जो मस्जिद का जो खास नमाज के लिए मुख्त क्या क्या तो वो हिस्से में वजू करना और फिर नापाक मकाम पर बैठकर वजू करना ये सारी चीजें क्या है मकरू कहलाती है मकर मतलब नापसंदीदा उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही है आप लोगों को बस चीजें होती हैं जो मजबूती होती है उसको हैं कहते हैं उज़ूर कहते हैं उस जुम्म जिन हिस्सों का धोना फ़र्ज़ है अगर उनमें दर्द हो या जख्म हो या फिर वो जख्म फट गया हो या कोई और दूसरा मर्ज़ है समझे, जिसकी वजह से उन पर पानी बहाना नुकसान करता हो तो ऐसी हालत में उसका धोना ज़रूरी नहीं है सिर्फ उन पर मसाह कर लेना काफी है और अगर मसावी नहीं कर सकते मसावी नुकसान करे तो छोड़ सकते हैं उसे कहते हैं उजुर इसी तरह अगर किसी अजू पर थोड़ा जख्म या फिर जख्म टूट जाना फूट जाना सकते हैं किसी या फिर किसी और वजह से पट्टी बांधी हो जैसे कि हड्डी वगैरह टूट जाती है वगैरह जो होती है टूटना फूटना इस तरह उस किसी वजह से पट्टी बांधी भी है तो अब वहां पर पट्टी बनी हुई इस सूरत में हम तीन चीजें वहां पर देखते हैं ये तो ये के पट्टी खोलना नुकसान है या नहीं एक सूरत होती है दूसरी सूरत पटका खोलना नुकसानदेह नहीं है लेकिन खोलने के बाद बांधने में मुश्किल है वो एक सूरत होती है। अब तीसरी सूरत होती है ना पट्टी खोलने में कोई नुकसान है और ना खोलने के बाद कोई मुश्किल है तो मतलब यह है कि पहली जो सूरत और दूसरी सूरत जो बताई है उसमें जो है ना मसाह कर लेना चाहिए और तीसरी जो सूरत बताई के यानी इसमें पट्टी खोलना भी कोई नुकसानदार नहीं और फिर पट्टी खोलकर बांधना भी कोई मुश्किल नहीं तो अब ऐसी सूरत में पट्टे खोल कर तमाम आजू को धो डाले शर्त यह है कि उस पर जख्म ना हो जख्म का अगर धोना नुकसान ना करे वरना जख्मी हिस्सा को छोड़कर बाकी तमाम हिस्से को धोडा लें और जख्मी जो हिस्सा है उस पर सिर्फ मसा कर ले। अगर मसा भी नुकसान दे है तो पट्टी बांधकर पट्टी पर मसा कर इसी तरह अगर कोई शख्स उसको ऐसा मर्ज है जिसमें वजू को तोड़ने वाली चीजें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं यानी जिससे वजू टूट जाता वो बार बार रहती है क्या बोल रहे अगर कोई ऐसा मरीज है जिसमें वजू तोड़ने वाली चीजें बराबर हमेशा रहती नमाज के पूरे वक्त में इतनी देर भी नहीं मिलती उसको कि वो उस मर्द से उन्हें छूट सकता यानी खाली हो सकता उस वक्त की नमाज फर्ज नमाज अदा कर सके यानी इतना भी उसको टाइम नहीं मिल रहा कि टूट जा रहा एक नमाज पढ़ भी नहीं सकता टूट जा रहा यानी जैसा कि बास को जो है गैसेस का प्रॉब्लम होता है ठीक है तो बार बार वजू बनाते फिर नमाज पूरी भी नहीं हो सकती फिर वजू टूट जाती तो वो माजूर होता तो ऐसे शख्स को हर नमाज के वक्त नया वजू करना चाहिए मतलब यह है कि एक मरतबा जब वजू बना लिया उसका वजू नमाज का वक्त जाने से यानी ऐसो अगर गैस भी हो गई तो पूरी नमाज पढ़ने तक उन्हें उसी तरह नमाज पढ़ सकता है और फिर जब दूसरी नमाज के लिए यानी ऐसो मसलन पढ़ा है अब अब जहर के बाद अब जब असर का वक्त आएगा तो फिर उन्हें एक नया वजू करेगा इसी तरह अगर असर में एक वजू बना लिया अब उसी वजू में असर की बुरे नमाज़ पढ़ सकता है असर के बाद फिर जब मगर का वक्त होगा फिर उसको नया वजू बनाना पड़ेगा वो कब तक तो होगा जब तक उसका मर्ज पूरी तरह खत्म ना हो जाए तो उसका वजू उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक के दूसरा वक्त शुरू नहीं हो जाता नमाज का जैसे ही दूसरा वक्त शुरू हो गया फिर नया वजू उसको करना होगा ठीक है तो वो शख्स क्या है माजूर समझा जाएगा अब यहां से हम वजू को तोड़ने वाली चीजें हम देखेंगे कि किन किन वजुहात से वजू टूट जाता है बताया जा रहा है किन चीजों से वजू टूट जाता है ये है क्या है शर्मगाह से यानि बेशाब या फजला इंसानी उसकी जगह से किसी चीज का निकलना यानी शर्मगाह से अगला से किसी भी चीज का उस से निकलना अगर चेहरे उसके निकलने की आदत हो या न हो तो वजू टूट जाता है इसी तरह जिसम से खून या पीप का निकल कर अपने मकाम से बहना यानि जिसम पर जो है ना कहीं मार जख्म हुआ तो उस जख्म से खून निकल कर बहने लगा अगर खून जगह पर जमा होना अलग शकल तो जिसम से खून या पीप का निकल कर अपने मकाम से मतलब जिस मकाम पर जख्म है वहां से खून हटना बहना आगे बढ़ना उससे क्या है वजू टूट जाता है इसी तरह मुंह भर के कै होना जिसमें सफरा या खाना या पानी या जमा हुआ खून निकल तरीके मुंह भर के कहे बाहर आना उसको मुंह भर के निकलना यानी मुंह भर के मतलब जब कहे कंट्रोल नहीं होती तो बाहर आ जाती मुख्तसर जो होती हलक में एकदम कड़ी रकर के जैसा मुसिल होती है वो अलग होती है जो कंट्रोल में होती है मुंह भर के जब होती है तो बाहर निकल जाती है अगर सुबह चाहे वो सफरे की एक कै क्यों ना हो या फिर खाने के या फिर पानी की कुन हो या फिर खून की ही क्यों फिर इसी तरह मुंह या नाक से थूक या रेंट के साथ इतना खून निकलना कि खून यानि उस पर थूक पर और फिर उसके रेंट पर जो है ना गालिब यानि ज्यादा आ जाए जैसा कि मिसाल के तौर पर मुंह से खून निकला तो मुंह से जब खून निकला तो उसके साथ जब थूक बाहर निकलता है तो थूक नहीं नजर आता बल्कि खून उसके ऊपर ज्यादा होने की वजह से थूक मालूम नहीं होता तो उसी को कह रहे हैं गालिब होना इसी तरह नाक से कर निकलता है खून तो नाक की जो रेंट होती है यानी तुब्बत जो निकलती है नाक के हम जिसे नेट कहते हैं ये जब निकलती है तो वहां से खून निकलता है तो खून निकलने में रेंट महसूस नहीं होती तो मतलब ये कि अब वहां पर वजू टूट गया इसी तरह किसी चीज के सहारे से एक करवट या फिर एक कुल्हे के हिस्से पर टेका देकर या फिर लेट कर सो जाना क्या बोल रहे हैं एक करवट लेकर बताएं और फिर एक कुल्हे के जरिए से या फिर सीधा बिल्कुल आंधा चित बोलते ना चित या पट इस तरह या फिर टेका लगा कर बैठे बैठे इस तरह सो गए के सहारा लेकर सो गए के वो अगर उसके पीछे से सहारा हटा दी तो वो गिर जा सकता यानी इतनी बेहोशी हो गई उसके नींद में इतना गुल हो गया तो जो है उसका वजू टूट गया ऊँग अलग शक्ल है तो जब सोते हैं तो मतलब यह है कि अगर वो चीज हटा ले जिससे वो टेका लगाए तो सोने वाला गिर पड़ सकता गिर जाए तो ऐसे सूरत में भी वजू टूट जाता है इसी तरह बेहोशी यानी कोई बेहोश हो गया अगर चाहे वो किसी मर्ज की वजह से हो या फिर किसी सदमे की वजह से हो बेहोशी होने की वजह से भी वजू टूट जाता है इसी तरह जुनून यानी दीवान की तारी होती है इस तरह मस्ती यानी किसी नशेली चीज के इस्तेमाल से जैसा नशा पैदा हो जाना तो उससे भी क्या है वजू टूट जाता है यानी इतना नशा हो जाता कि पाओ जो है संभल नहीं सकते खड़ा खड़ाते पाओ फिर इसी तरह बालिक आदमी का रुकू और सुजूद वाली नमाज में खिल खिला कर हंसना जिसे कह कहा कहते हैं क्या बोलते हैं बालिक आदमी का, का। बालिक आदमी जैसे गुस्सा में आप गुस्सा में से आप लोगों ने सुना भी है बालिक कहते हैं ठीक है तो जिसके पास यानी बचपन का वक्त पार होने के बाद जो उम्र होती है हो, उसको सन्न बलुकत कहते हैं तो बालिक आदमी का जो है ना रुको सुजूद वाले नमाज में यानी ऐसी नमाज जिसमें रुको और सजदा होता हो अब सजदा रुको किसमें नहीं होता नमाज जनाजा में नहीं होता तो ऐसी नमाज में खिलखिलाकर यानी यानि खिल आवाज आ जाती है खिल खिलाकर जिसे कह कहा कहते हैं उससे भी वजू टूट जाता है इसी तरह मर्द व औरत के मर्द व औरत यानी आपस में जैसा के शोहर बीवी का मामला होता है यह आपस में एक दूसरे के शर्मगाहों को देख लेने या छू लेने से शर्त यह, यह है कि अगर शर्मगा से मिजी ना निकले यानी कि रुतुबत जो शर्मगा से ना निकले अगर निकले तो वो टूट जाता अगर ना निकले तो सूरत में वजू ना टूटेगा इसी तरह डकार आने से और फिर कान वगैरह कान या फिर नाक वगैरह से किसी पाक चीज के निकलने से नमाज में हल्का सा हंसने से जिसको पास का आदमी ना सुन सके जख्म से गिरा या गोश्त का टुकड़ा गिर पड़ने से वजू के बाद सर मुड़वाने या नाखून कटवाने या जख्म के ऊपर के मुर्दा जो खाल होती है उसको नोट डालने से वजू नहीं टूटता तो मतलब ये है कि बाकी जो चीजें ऊपर हमने पढ़ी हैं, वो सारी चीजें जिनमें से जिनके होने से वजू टूट जाता है तो अब यहाँ पर जो कुछ चीजें जो आम हैं, लोगों में मशहूर है कैसा होगा ऐसा होगा हो तो वजू टूट जाएगा तो चीज बदलाए हैं कि इन चीजों से वजू नहीं टूटेगा तो यहाँ तक हमने वज़ू के मकरूहत और फिर वजू को तोड़ने वाली चीजें भी हमने देखी अब साथ ही साथ हमने इब्तदा में लिखा था कि जिनसे वज़ू टूट जाता है उसको कहते हैं हद से असगर और जिनसे टूटता है उसे कहते हैं हद अकबर जैसा कि हम तहारते सुगरा, कुबरा पढ़ते हैं तो उसी का जो है ना अपोज जैसा कि छोटी तारत बड़ी तहारत अब छोटी तारत जिसे टूटती है उसको हजद से असगर कहती यान है यानी जिससे वजू टूटता है वजू टूटने से जो हालत इंसान के जिसम पर पैदा होती है वो हजद से असगर कहलाती है तो बेवजू जो है ना हमने ऊपर भी देखा था कि नमाज पढ़ना जैसा के ये क्या है बेवजू नमाज पढ़ना हराम है अगर के वो नफिल नमाज हो फर्ज हो कोई भी नमाज हो और फिर साथ ही साथ हमने देखा था कि कुरान शरीफ को बग़ैर खिलाफ के छूना क्या है हराम है इसी तरह काबे का तवाफ करना ये मकर तहरीमी है यानी बे काबे का तवाफ करना मकर तहरीमी है हाँ अलबत्त कुरान शरीफ का छूना जबकि किसी जजदान में हो या किसी ऐसे कपड़े में लपेटा हुआ है जो उसके साथ चिपका हुआ ना हो यानी जुज़ान कुरान से चिपका हुआ ना हो अलग हो इसी तरह कुरान शरीफ का पढ़ना या पढ़ाना देखकर हो या खा जुबानी जैसा कि याद हो जो चीजें याद होती है यानी बगैर वजू के भी कुरान शरीफ की तिलावत की जा सकती है बगैर छुए कुरान शरीफ का पढ़ना या पढ़ाना देकर या फिर जुबानी ठीक है अलबत् छूना हराम है। तो यहाँ तक हमने मुकम्मल वजू के मसायल को हमने जाना अब आते हैं कुबरा के की तहरते सुगरा का बयान मुकम्मल हुआ अब तहरते कुबरा के जाने यानी गसल के मसाइ तो सबसे पहली चीज गसल की तारीफ जैसे कि हमने वजू के बयान में हमने देखा वज़ू की तारीफ तो इसी तरह यहाँ पर गसल की तारीफ हद से अकबर से पाक होने यानी सर से पैर तक तमाम जिस्म की जाहरी हिस्से को धोने का नाम गसल है हदसे अकबर यानी अभी हमने ऊपर देखा हजरत अजगर जिनसे वजू टूट जाता है हदसे अकबर जिनसे गसुल टूट जाता है वो कौन से है वो आगे हम पढ़ेंगे ठीक है तो हल से अकबर से पाक होने यानी सर से लेकर पैर तक, तक तमाम जिस्म का जो जाहरी हिस्सा है उसकी धोने का नाम गसल है जिसका धोना बगैर किसी तकलीफ के मुमकिन हो ठीक है अब वो बातें देखते हैं कि किन किन सूरतों में जो है सो गसल करना फर्ज होता है और किन सूरतों में वाजिब होता है और किन सूरतों में सुन्नत है और किन मौक़े पर मुस्तहब है सबसे पहली चीज किस सूरत में गुस्ल फर्ज होता है गुसल करना फर्ज है बता रहे हैं शहवत से मनी निकलने पर यानी शर्मगा से शहवत से शहावत यानी ख्वाहिश एक मस्ती से मनी निकलना एक मिनट पास मस्जिद में सलात हो रही दो मिनट असला वरह जी तो हम देख रहे थे के मसाइल तो हमने पहले देखा की तारीफ, गसुलसल किसे कहते हैं तो बताया गया कि हजरत अकबर से पाक होने यानी सर से पैर तक तमाम जिसमें जाहरी हिस्से को धोने का नाम गसुल है जिसका धोना बग़ैर किसी मुश्किल तकलीफ के मुमकिन हो फिर उसके बाद हमने देखा कि किन किन अवकात में मकाम पर वजू करना गसल करना फर्ज होता है और किन सूरतों में वाजिब और किन सूरतों में सन्नत मस्तहब तो सबसे पहले हमने देखा कि किन सूरतों में गसल फर्ज हो जाता है तो बताया क्या शहवत से ये मनी का निकलना शहवत से मनी का निकलना फिर दूसरा एहतलाम के बाद यानी जिसे हम अंग्रेजी में नाइट फॉल भी कहते हैं तो दिन की हालत हो तो इसे अहतलाम कहते हैं अगर जागते में हो तो उसे इंजाल खा जाता है तो इन सूरतों में जो है सो फर्ज होता है इसी तरह वती के बाद बीवी के जो मिलाप की जो सूरत होती है उसे वती कहा जाता है तो इन सूरतों में ओसल फर्ज है इसी तरह औरत को हैज के रुकने के बाद गसल हो जाता है इसी तरह निफास का खून रुकने के बाद निफास यानी जो जचकी के बाद जो बच्चे की पैदाइश के बाद डिलीवरी के बाद जो खून होता है और तो जो आता है वो खून रुकने के बाद उस फर्ज हो जाता है तो जो बातें बताई गई इन सूरतों में गसल करना क्या है फर्ज है अब किन सूरतों में गसल करना वाजिब है तो बताया जा रहा है कि उस काफिर पर जो जरूरत गसल की हालत में मुसलमान हुआ हो हु। यानी ऐसा काफिर जो ग की हालत में था उस वक्त मुसलमान हुआ तब उसके ऊपर गसल वाजिब है इसी तरह गसल सुन्नत भी है किन किन शुरू में बताया गया जुमा के दिन करना सुन्नत है और ईद के दिन चाहे वो बकर हो या रमजान की जिसमें ईद उल्फित्र होद कहते हैं उस दिन उसल करना सुनत है इसी तरह एहराम जो हज या उम्र के लिए अहराम जो बांधते हैं तो उससे पहले जो गसल करते हैं वो गसल भी सुनत है फिर हज करने वाले जो अरफा में जमा होते हैं तो अरफे के दिनों गसल ये भी क्या है सुनत है अब वो मौाक़ जिनमें करना मुस्तहब अमल है जैसा के बड़ी रातें जिसे हम कहते हैं जगने जागने की रात जिसे कहते हैं जैसा के शब मेराज हो शब बरात हो शब कदर हो इसी तरह शब अरफा रात यानी जब हो करम अरफे के मैदान में जब जमा होते हैं नौजुल हचा उसको अर्फे के शप कहा जाता इसी तरह सूरज गहन और चाँद गहन के वक्त और नए कपड़े पहनने के वक्त फिर सफ़र में अगर गए हैं तो सफर से वापस आने के वक्त और मक्के में मक्के मुकर्रमा में दाखिल होने के वक्त तवाफ ज़ियारत के लिए इसी तरह मदरन मरबरा में दाखिल होने के वक्त ताज़िम तक्रीर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी तरह बारिश की तलब करने के लिए यानि अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश अल्लाह से मांगने के लिए तो इन तमाम सूरतों में गसल करना क्या है मुस्तब अमल है तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि किन सूरतों में गसल करना फर्ज हो जाता है और किन सूरतों में वाजिब है और किन सूरतों में सन्नत है और किन मौका पर मुस्तहब है ठीक है अब आते हैं वो चीजें जो गसल में फर्ज है यानी जिनके बगैर गसल नहीं होता जिनका करना जरूरी है वो क्या है तो बताया जा है गसल में तीन चीजें फर्ज है गसल में तीन चीजें फर्ज है अगर तीनों में से अगर कोई एक भी चीज छोड़ गई तो चाहे बैल्स डाल ले ऊपर से नीचे तक पानी के मटकों मटक मटके डाले अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर रुक गई तो फिर गसल नहीं होता नंबर एक सबसे पहले कुली करना सबसे पहले कुली करना कुली कैसा हो यानी जुबान की जड़ तक पानी पहुंच जाए कुल्ली इस तरह होना मुंह में पानी को बहाना इस तरह के जुबान की जो जड़ है अलग तक उस तरह पहुंच जाए हाँ अगर रोजे की हालत में हो तो फिर जैसा कि करारा वगैरह किया जाता है इससे खदशा होता है कि हलक से पानी उतरने का इससे रोज़ा टूट जाएगा जब गर रोजा हो तो पानी को यानि गे के साथ हलक तक पहुंचाए और नव रोजी के हालात में सिर्फ पानी को मुंह के अंदरून हिस्से में फिरा कर बाहर निकाल लें तो बताया क्या गसल में पहला फर्ज क्या है कुली करना और दूसरा नाक में पानी डालना पानी इस तरह डालना कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाए और उंगली से अच्छी तरह उसका सफाई करना इस तरह क्योंकि बगा अंदर जो महल कुचैल वगैरह सूख कर यानी खिपली की शक्ल इख्तियार कर जा तो खिपली के निचले हिस्से यानी चमड़े तक पानी नहीं पहुंचा तो फिर वसल नहीं होता है तो इसीलिए नाक को अच्छी तरह साफ करना दो चीजें हो गई उसके बाद तमाम जिस्म पर यानी सर से लेकर पैर तक सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक समझिए पानी का बहाना ये क्या है ये तीन चीजें गसल में फर्ज है उम्मीद है कि सबको बात समझ में आ रही है अब गुस्सल में जो हमने पहली चीज पढ़ी, फर्ज कुली करना तो कुली ऐसी कि पानी तमाम मुंह के अंदर हर जगह पहुंचा अगर कोई शख्स यानी बगैर रोजी की हालत में समझ आम दिनों में बगैर रोजी का अगर कुली के बचाए मुंह भर पानी भी अगर पी लिया तो उन्हें फर्ज अदा हो जाता चूंकि कुल्ली सिर्फ बाहर थूकने का नाम ही नहीं है बल्कि इस अंदर भी पानी पी लेने से कुल्ली हो जाएगी के तक। कुल्ली का बाहर फेंकना जरूरी नहीं है लेकिन एहतियात यही बताई गई कि उसको बाहर फेंकते ठीक है अगर दांतों की जड़ों या फिर दांतों की जो स्थान होते है वगैरह उसमें कोई चीज हो यानी अटके भी हो जो जिसकी वजह से पानी उस जगह पर नहीं पहुंचता यानी पानी को पहुंच नहीं देती वो चीज तो ऐसी सूरत में उसका दूर करना जरूरी है अलबत्ता शर्त यह है कि उसको दूर करने में कोई तकलीफ का जरिया ना बने स्वब ना बने ठीक है ये हो गया कुल्ली करने अब उसके बाद जो हम पढ़े हैं नाक में पानी डालना इस तरह के नाक के तमाम से यानी दोनों नथने सुराखन जिसे कहते हैं जहा तक नरम हिस्सा है ना का जो नरम हिस्सा है वहां तक पानी पहुंचाना फर्ज है जरूरी है ना के अंदर जो मैल ना के अंदर का जो लुआाब से जम जाता है उसको छोड़ा उसके नीचे की हिस्से तक पानी पहुंचाना जरूरी है अब जबकि तमाम जिसम बती सर जो हम देखे हैं फर्ज तमाम और पानी बहाना तो तमाम जिसम का जुजो हिस्सा जो ऊपर हिस्सा जाहरी हिस्सा है सर से लेकर पैर तक पानी बहाना फर्ज है जिसम को मलना फर्ज नहीं है सिर्फ पानी बहाना फर्ज है मलना मुस्तहब तरीका है ठीक है पानी बहाना फर्श है जिसमें सर के ये बालों का जड़ से नोक तक भिगोना और फिर इस तरह दाढ़ी मूछ भवे इनके बालों का और उनके ये नीचे के हिस्से का धोना अगर से ये चीजें घनी है उनके नीचे की जिल नजर ना आती हो कान और नाक के अंदर का धोना अगर कान या नाक में सुराख हो या बंद न हुए हो तो उनमें पानी पहुंचाना दाखिल है यानी उन सुराखों में पानी पहुंचना जरूरी है ऐसा है कि औरतें कान में बाली और नाक में सुराख वो नतना वगैरह जो पहनते हैं नत जिसे कल है तो उन सुराखों में भी पानी को पहुंचाना है अच्छे तरीके से इसी तरह सर के बाल अगर गोंदे हुए हों तो औरतों को उनका खोल कर बेचाना जरूर नहीं मतलब वो लोग जो अरबों में जैसा के तवील तौर तो पर छोंडे वगैरह वो करते हैं हर तरीके से लड़ियां लट जिनका खोलने पर फिर लगाना यानि दुरुस्त करना मुश्किल होता है यानी आजकल जो हमारा जो माहौल है तो सिर्फ बाल लपटते हैं करते हैं तो वो नहीं मतलब जो तो वो यहाँ पर तो उनकी जड़ों का तर्क लेना काफी है। अगर वसा हो तो अलबत् अगर मर्दों पर मर्दों ऐसे बाल में तो फर्ज है कि गोंदे हुए बालों को तर करें और तमाम बालों की जड़ों में पानी पहुंचाए अगर बाल खुले हुए हों तो फिर मर्द और औरत मर्द और दोनों के बालों का भिगोना फर्ज है ठीक है अगर उंगली में तंग अंगूठी है या कान या नाक के सुराखों में तंग बालियां हैं या नथ है वगैरह तो उनको हरकत दिए बगैर पानी जिस्म तक ना पहुंच सके तो उनका हरकत देना या ज्यादा तंग हो तो उसल करते वक्त निकाल देना फर्ज है यानी उनको अगर बहुत ही ज्यादा तंग है तो उनको पहले ही निकाल देना पानी अगर नहीं पहुंचता अगर नहीं उसके साथ भी अगर पानी पहुंच सकता है उनको हरकत देने से तो फिर अलग बात है अगर नहीं तो फिर निकालना ही फर्ज है। इसी तरह चेहरे पर या फिर नाखूनों में अक्सर जो औरतें खबात आटा गोंदती हैं तो आटा लगकर सूख गया तो उनको दूर करके उनके निचले हिस्से पर पानी पहुंचाना फर्ज है अलबत् बलदन पर मैल या मिट्टी हो तो उसके दूर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तहर यानी पानी को रोकते नहीं वो लोग इसी तरह रंग है या मेहंदी लगा कर रहना या फिर जो है ना तेल वगैरह की चिकने जो बलदन पर लगने से पैदा हो वो भी उसको नहीं रोकती उससे भी गसल हो जाता है अलबत् जिस चीज के धोने में तकलीफ है यानी कोई जख्म हो वगैरह वगैरह तकलीफ हो किसी मकाम का धोना तो उसका धोना फर्ज नहीं है मसलन आंख के अंदर का हिस्सा यानी गौसल में आंख के अंदर का हिस्सा तो नहीं धो सकते कान या नाक के वो सुराख जो बंद हो गए हो यानी कान के जो बाली वगैरह जो पहनते हैं तो बाली निकलने के बाद अक्सर पहना अगर छोड़ दें तो सुराख खुद खुद बंद हो जाते हैं इस तरह नाक का मामला होता है तो तब उनको उनके अंदर पानी पहुंचा नहीं सकते तो लिहाजा ये छोट है तो यहाँ तक जो है हमने उसूल में वो बातें जो जरूरी है इजमाली और तफसीली तौर तो पर हमने देख लिया कि कौन कौन सी बातें उसमें में फर्ज है और कौन कौन सी बातें फर्ज में कौन कौन सी कुली करना और नाकबान चढ़ाना और सारे जिसम पर पानी बहाना इसको तफसल से हमने देखा अब वो चीजें जो गसल में सुन्नत कहलाती है सुन्नत है जिनका करना मसला दोनों हाथों का पहुंचों तक धोना यानी सबसे पहले जैसा कि हम उजू में हाथ धोते हैं तो उसी तरह गसल में सबसे पहले दोनों हाथों का धोना फिर उसके बाद शर्मगा का धोना यानी नाफ का निचला हिस्सा घुटनों तक नाफ के नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा अगला और पिछला यानी कमर से और पेट से लेकर घुटनों तक धूना फिर जिस्म पर अगर कहीं किसी मकाम पर नजासत लगी है तो उस नजासत को दूर करना ठीक है अब ये चीजें होने के बाद मुकम्मल वजू करना उसके बाद तमाम जिस्म पर तीन मरतबा पानी बहाना ये बातें उसे में क्या है सुन्नत कहलाती हैं। ठीक है अब उसके बाद गसल के मुस्तबात यानि जो चीजें गसल में करना मुस्तहब है क्या है सबसे पहले नियत है नियत करना फिर हाथ धोते वक्त कहना फिर उसके बाद जिस्म को मलना फिर ऐसे मकाम पर पानी नहाना जहा कोई ना देख सके फिर वो बातें जो वज़ू में मुस्तहब है वजू में मुस्तहब है सिर्फ उसके अंदर जो है ना कबले की तरफ चेहरा या पेट करने से बाज रहने के अलावा बाकी तमाम चीजें इसमें भी करना इस और फिर जो है वजू में हम क्या है दुआ भी पढ़ते हैं और फिर बाज मकान पर जो ऐसा भी जिक्र है कि वजू के बर्तन में यानी बचा हुआ पानी पी भी लेते हैं तो गसल का पानी तो नहीं पीते तो कि कुछ चीजें छोड़कर बाकी जितने भी वजू में जिक्र किया गया है मुस्तहबात और तमाम मुस्तक चीजें गसल में भी लागू होती हैं अब वो चीजें जिनसे में जो चीजें नापसंदीदा मकरू है जैसा कि बगैर किसी जरूरत के ऐसे मकाम पर पाना जहाँ किसी गैर मुहरम की नजर पहुंच सके यानी गैर मंद की निगाह पहुंच सकती हो बगैर किसी वजह की फिर पढ़ना यानी नंगी हालत में बगैर कपड़े जिसम से रखे बगैर नहाने वाले को ख़बले की तरफ चेहरा करना फिर इसी तरह दिगर दुआओं का पढ़ना, फिर बगैर किसी जरूरत के, के बिलावजें बातें करना गसल के दम फिर वो उमूर वो बातें जो वुजू में मक़रू है वो सब चीजें गसल में भी मकरू कहलाते हैं तो यहाँ तक हमने गसल के फ़राइज और सुन्नतें और मुस्तहबात देखी हैं और साथ ही साथ वो चीज़ें जो गसल में नापसंदीदा है मकरू है उन बातों को भी हमने जाना इन शमस्तान अगले में हम गसल का मुकम्मल सुन्नत तरीका मसनून तरीका दिखेंगे और साथ ही साथ वो चीज़ें जो उनसे गसल टूट जाता है वो चीज़ें भी इंशाल्लाह शन देखेंगे अगर यहाँ तक किसी को सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं कल और परसों तो हमारी क्लास नहीं होगी अलबत्त फिर के दिन हजरत खबला का रूहानी इरफानी इस्लाही बयान होगा आप तमामी लोग उसमें शिरकत करें ज़रूर बस ज़रूर शिरकत उससे तदा करें अपने आप को और अपने क्लूब को मुस्तफ करें और फिर हमसे दिगर को हम इस्तफादा कर सकें ज़रूर ब ज़रूर आप लोग उसमें भी शिरकत फरमाए चलिए इसी के साथ अगर कोई सवाल नहीं तो दुआ के साथ आज की आज की इस नशे को यहीं पर मकुफ़ करते हैं अल्लाह के बारे में दुआ करते हैं रबलिन हमारे इस पर पढ़ाने पढ़ाने बारे बारेगा में कबूल मंजूर फरमा जो कुछ पढ़ा पढ़ाया गया है हर दो को कहने वाले सुनने वाले को हर दो को इस पर अमल करने के तोहफी आंता फरमा या ला बिन इस मुकदस महीने की बरकतों शालतों रहमतों से हमें माल फरमा इस महीने के तो फिलहाल के बख्शिश फरमा मगफिरत फरमा हम तमाम को सच्चा और पक्का मुसलमान बनने के तो मीठी मीठी सुन्नतों को अपनाने अपना लिबास बनाने के तहफी तो आता फरमा बुजुर्गान दिन के रास्ते पर हमें छेगी तोहफी आता फरमा मन रोजे तरबी और तिलावत कुरान जिक्रजार को अपने बारका में قبول و منظور فرما دعاؤں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما امین بجاه سجد أمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله